इस वीडियो का उद्देश्य किसी व्यक्ति, जाति, धर्म, पंथ, समुदाय, पेशे, व्यापार, संस्था, जो कुछ भी, चाहे वह जीवित है या नहीं, उसके भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया इस वीडियो को हल्के फुल्के मजाक में लें। इसके अलावा वीडियो में कठोर भाषा का उपयोग है जो बच्चों के लिए अनुपयुक्त हो सकते हैं। धन्यवाद। अच्छा, शराबी तो आपने अपने जीवन में बहुत से देखे होंगे, लेकिन इन शराबियों के बारे में बात करने से ना कभी मन भरता ही नहीं है। अरे जितना करो ना उतना ही कम लगता है। तो बहुत से टाइप के शराबी, अब उनमें से पहला नंबर टाइप का जो शराबी है वो है बीबी को पीटने वाला शराबी। तो एक पैक अंदर जाते ही इसे अपनी परिवार की याद आने लगती है। नहीं नहीं प्यार करने के लिए नहीं, उसे कूटने के लिए। दो तीन पैक अंदर जाने के बाद तो ये प्यार टपकने भी लगती है। जब मैं घर जाए ना तो उसकी बीवी आ गए फिर से दारू पी के। अरे तो तेरे बाप की पिया है, तेरे बाप की पिया क्या मैंने? तो सारी के सारी पी गए होगे ना, है? अब घर में क्या बनाओ? जहर बना दे। तू जहर बना दे, काम कर जहर बना दे तू। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा तो तू अब मुझसे जवान भी लड़ाएगी? अरे नहीं पापा, ठीक है बना ही देती हूँ। ये मुझे सख्त पहले से सख्त था। तेरा चक्कर ओपनवाड़ी के साथ चल रहा है ना, तो मुझे जहर देके मारना चाहती है। इतनी जल्दी नहीं मर। अरे तो आपने ही तो कहा था जहर बना दे। अच्छा तो तू अब मुझसे सवाल जवाब करेगी है? अभी उसका इतने में ये जो महाभारत चल रहा है ना, उसी महाभारत के बीच में उसका बेटा रामायण लेके घुस जाता है। टपा वो कहते हैं वो भाई वीडियो गेम खेल, पबजी खेलूंगा पबजी। जब तेरा बाप सब्जी बेच बेच के मर गया, तुझे पबजी खेलना हराम जादे। ये तो थे बीवी को पीटने वाले शराबी। अभी दूसरे नंबर वाले जो शराबी है ना, वो बिल्कुल अपोजिट है पहले से। ये होते बीवी से प्यार करने वाले। दो तीन पैक अंदर जाने के बाद ना बीवी के लिए प्यार उमड़ने लगता है। ये उधर घर सरमाइन, सरमाइन अरे हिया आइए थोड़ा। अरे बाप रे बाप, कहा लग रहे हैं आप? अरे यहाँ आइए। अरे पूरे टीए, हम आपका मुंह से बात सर हम नहीं सटेंगे आपने। अरे कैसे नहीं सटोगे, सट नहीं होगा। अरे अरे देख रहे हैं ना बबुआ को ली हुई हूँ, अभी सोया है चुपचाप से, तनिक देर तो रुकिए। अरे देर रुकने का टाइम नहीं है सर माइन, है प्यार उमड़ रहा है। लाओ बबुआ को दो। बबुआ ये तो होत रहते हैं, तुम कहो तो इस बार हम तुमको ट्विंस दे दूं। आपका ही कारण से ना पूरा घर में क्रिकेट टीम बन गया है। कहीं लेकर जाते हैं तो कहते हैं कि बाप रे शर्माइन लगता है अपना पूरा पड़ोस का बच्चा ले आई है। बताइए है हमारे कहते पड़ोस का? अच्छा हमको नहीं लगता है अब नहीं। अब आते तीसरे नंबर वाले शराबी, ये होते इंग्लिश बोलने वाले। दो पैक इंग्लिश से जाने के बाद ना इनके अंदर से ग्रामर निकलने लगती है। एक शराबी उधर जाते जाते पोल से टक्कर हो गया उसका। अब पोल से टक्कर होने के बाद उधर पोल को कह रहा है, ए पोल, डोंट यू हैव एनी टाइप ऑफ अ मैनर? यू डोंट सपोज टू बी हियर, दिस इज नॉट योर प्लेस। ये तो छोटा मोटा था, इससे भी एक बड़ा अल्ट्रा प्रो मैक्स। वो उधर कुत्ते को भारी शब्दों में ग्रामर सिखा रहा है। डॉग कम कम डॉग गो गो बिस्किट कम। अब ये जबरदस्ती कुत्ते को भी पिला देता है। अब ये और कुत्ता दोनों साथ में ग्रामर बोल रहे होते हैं। कुत्ता करे भाऊ, ये उसे कहे कीप क्वाइट, देयर इज अ पीपल
keep quiet. Don't disturb them. Keep quiet. कुत्ते को ये बोल रहा है। अब आते हैं चौथे नंबर वाले शराबी। ये शराबी बाकी से बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, क्योंकि बाकियों को चढ़ती है दारू, इनको चढ़ती है भूख शेर शायरी की। तो जब ये घर आने वाले हो ना, और जब घर आ रहे हो रास्ते में जब पड़ोसी मिल जाए, तो पड़ोसी को देख के अर्ज करते हैं कि भरू में दारू 1960 नाप की, के भरू में दारू 1960 नाप की, अरे अपनी पी है, पी थोड़ी है किसी के बाप की। अच्छा चलिए आप तो ऐसे ही सैर सारी करते रहते, चलिए घर। फिर ये बीवी को देख के अर्ज करते हैं के बेगम आपके लिए कुछ अर्ज किया है, है अर्ज किया है। अब अर्ज ही कर सकते हैं, आपको देख के और तो कुछ करने का मन करता ही नहीं है। हाँ भाई अर्ज किया है कि तुम मिली मुझे जैसे मिली हो दाल चावल के साथ अचार, कि तुम मिली मुझे जैसे मिली हो दाल चावल के साथ अचार, तेरे नाक पे पिंपल है और वो भी है पूरे के पूरे चार। अब आते पांचवा नंबर वाले सर, ये शराबी होते दारू ही दारू वाले। ने मतलब सवेरे चाहिए, शाम को चाहिए, दोपहर में चाहिए, खाना दो टाइम कम मिल जाए, दारू पूरी चाहिए। ऐसे कुछ हमारे ग्रुप में भी है। इनसे कहो ना कि भाई चल पार्टी है, तो कहेंगे दारू मिलेगी दारू, कहेंगे चल बर्थडे है किसी दारू मिलेगी, चल शादी किसी की दारू मिलेगी, चल कोई मर गया दारू मिलेगी। अब चले जनाजे में तुमको दारू चाहिए, तो कहा भाई देख जरूरी थोड़ी है कि मस्ती के लिए दारू ही चाहिए, तो कहता है भाई ये भी तो जरूरी नहीं है कि दौड़ने के लिए खाली जूते ही चाहिए, बिना जूते के भी दौड़ सकते हैं ना। मैं कहा तो बिना जूते के भी दौड़ सकते हैं, लेकिन जब जूता हो तो मजा आता दौड़ने में, वैसे ही सेम है। मैं कहा भाई धन्यवाद, इतना बड़ा ज्ञान आज तक कभी नहीं मिला, तो भाई धन्यवाद, मरो सालो मरो। अब आते छठा नंबर वाला शराबी। ये शराबी ऐसे होते हैं ना जो एक बोतल गटकने के बाद खुद को खाली समझते हैं, असल जिंदगी में खाली के टट्टों से भी छोटे होते हैं। तो ये बोतल गटकने के बाद जब रास्ते में जा रहे हो, अबे कौन है बे, कौन है, गलती से इससे इससे चार फुट लंबे आदमी से टक्कर हो जाए ना, तो ये उधर, अबे कौन है बे तू, मुझे टक्कर मारता है, बॉडी देखी है मेरी बॉडी, एक घुसक मारूंगा ना गिर जा। और वो जो आदमी रहता ना लंबा चौड़ा आदमी, वो उसके टक्कर जिससे हो रही थी, वो उधर उसको नीचे देख के, चल पी रखी है छोड़ इससे क्या ही लगना, फिर भी ये उंगली करेगा, अबे जाता कहा है बे, चल मुझसे लड़ मुझसे आ लड़। इतना सब सहने के बाद ना बेचारे को गुस्सा आ जाता है थोड़ा बहुत, वो उधर गलती से ऐसे ढकेल देता, चल हट, बस ऐसा ढकेलता है, जाके गिरता है नाले में, दो दिन तक पड़ा रहता है उसी नाले में। अच्छा अब आता है सातवां नंबर वाला शराबी। ये शराबी ऐसा है ना इसको मैथ्स पूरा आता है, मतलब गुणा भाग जोड़ घटाओ तो पूछो ही मत। तो ये गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा कि देखिए आपका जो है लीवर खराब हो चुका है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन हो जाता है, ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर जब इससे मिलने आता है ऑपरेशन के बाद, तो इसे कहता है कि देखिए आप 15 दिनों तक तो बिल्कुल चल फिर नहीं सकते, कोशिश भी मत करिएगा, उसके बाद जब मैं रिकमेंड करूँ तो आप चल फिर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये उधर डॉक्टर को कहता है, अच्छा डॉक्टर साहब 15 दिनों तक तो मैं चल फिर नहीं सकता, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है, लेकिन मैं दारू कब से पी सकता हूँ? डॉक्टर उसको भड़क कर रहा है, अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, अभी आपका ऑपरेशन हुआ है, 40% लीवर आपका खराब हो चुका है, बाकी के 60% बचे हैं, अगर ऐसे ही पीते रहोगे ना तो वो भी खराब हो जाएगी। ये डॉक्टर को ये सोच अभी उधर मन में, अच्छा मेरा 40% लीवर खराब हो गया और मैं हूं 40 साल का, अगर मैं इस पीने की आदत को ऐसी कंटिन्यू करूं तो इस हिसाब से मैं 60 साल और जी सकता हूं, क्योंकि 60% लीवर अभी बची हुई तो सेंचुरी तो पक्की है। तो ये थे टाइप्स ऑफ शराबी। वीडियो को यहां तक पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए।